कौन सीरियल है? कौन वाला कार्टून है? सबको पसंद है। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं, बारिश हुआ है तो मन कर रहा है सबका पकौड़ी खाने का, तो मैं तैयारी कर रही हूँ बेसन का पकौड़ी बनाने का। कौन क्या क्या चीज़ का बनाऊंगी वह आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अभी तो मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ, उसी में सब मसाले सब डाल रही हूँ। यही सूखे मसाले सब डाल देती हूँ। हल्दी डाल दिया है मैंने, लाल मिर्च डाला है, जीरा पाउडर डाला है और इसका गरम मसाला डालू है। अभी मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन का डिब्बी साफ किया हुआ था इसलिए मैं इसमें पहले डाल दूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी। सब चीज़ डालने के बाद मैं मिक्स कर दूँगी सूखे को, फिर बनाऊंगी। बरसात होने के बाद में पकौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। पर सबको पसंद है, मेरा ये है कोई बना के दे दे तो अच्छा लगता है, अपने बना के खाने में गर्मी में पहले बनाओ उसके बाद नहीं अच्छा लगता है, उतना मन नहीं करता है। अब इसको सूखे बेसन को मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद में इसमें पानी डालूँगी धीरे धीरे। क्या मसाला सब मिक्स हो गया इसमें, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मेरा ब्रेड ला के रखा हुआ है, मंगवाया ब्रेड का बनाऊंगी। पहले इसको मैं मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करने से ये है कि इसमें ये नहीं होता है, गांठ नहीं बनता है बेसन का। वैसे बेसन का पकौड़ी सबके यहाँ पसंद होता है, सबको पसंद होता है, सबके यहाँ बनता भी, ऐसा बात नहीं है। मैं जैसे बनाती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो एक बार बना के ट्राई कर लीजिएगा। टाइट है अभी बेसन, इसमें और पानी डालना होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से यह है कि ज़्यादा नहीं होता है। अब पूरा रसोई मेरा बिखरा हुआ है, मेसी मेसी पूरा हो रहा है, चारों तरफ सामान सामान। पर कोई बात नहीं, काम होने के बाद सब साफ हो जाएगा। काम होता है तो सब जगह ऐसा ही रहता है। बेसन का घोल बनाने के बाद आगे का काम शुरू करेंगे। अभी मैंने प्याज और हरी मिर्च यहाँ काट के रखी हुई है मेन मेन, वो बीच में मिला दूँगी। मिलाने के बाद अब मैं पकौड़ी बनाऊँगी। यहाँ देखिए मैंने तेल भी चढ़ा दिया है, तेल मेरा गर्म हो रहा है। पहले मैं बनाऊँगी इसका ब्रेड का मसाला भर के। ब्रेड का जो बनाऊँगी मैं, इसमें सॉस उस चटनी उटनी कुछ नहीं लगाऊँगी, क्या मेरे यहाँ ऐसे ही साधारण, सबको पसंद है, सब कोई खाता है। अगर मैं इसमें सॉस लगा देती तो कोई नहीं खाता, ऐसे बनाऊंगी तो सब कोई खा लेगा। दो ब्रेड में मैं मसाला डाल के ऐसे बना लूँगी, जैसे मेरे यहाँ खाता है वैसे मेरा बनाना ज़रूरी है। मेरा यहाँ सादा सादा खाता है सब कोई, सॉस उस लगा देती तो कोई खाता नहीं, तो क्या फ़ायदा लगाने से। ये तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन में लपेट के। बेसन में लपेटने का तरीका यही सही रहता है मेरे ख्याल से, चारों तरफ पहले लगा लेते हैं तो अंदर बेसन नहीं जाएगा इसमें। एक तो मतलब एक बन गया है, एक एक बनेगा, क्या है कि बड़ा बड़ा है ना इसीलिए। उसके बाद मैं बेसन का ही इसका ब्रेड वाला बनाने के बाद मैं आगे बनाऊंगी ब्रेड का। पहले ये सीखने देती हूँ इसको, तैयारी कर लेती हूँ मैं। इसको हम लोग बोलते हैं कटलेट। यही देखिए मैं ब्रेड का को गीला कर लूँगी, पूरा गीला करके पानी पूरा निकाल लिया मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाल के लड्डू जैसा इसको बना दूँगी, गोल कर लूँगी पूरा मसाला, इसमें पैक कर दूँगी, ऐसे बना के रख लूँगी। ये देखिए बन के तैयार है, अब इसको मैं डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद है तो इसमें सूजी इसके ऊपर लगा सकते हैं, पर मेरे यहाँ सूजी लगाने के बाद कोई खाता नहीं इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। वैसे अच्छा लगता है सूजी लगाने के बाद भी, पर बच्चा नहीं खाता इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ। देखिए मेरा पक बन गया है, खाने में अच्छा लगता है। इसी का मैं अभी बनाऊंगी मैं आलू चप, यहाँ बोला जाता है, और मेरे
पापा या ससुराल में बोला जाता है इसको कोफ्ता, राजस्थान में कोफ्ता बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं तो आदत हो गया आलू चप बोलने का, वही अब बना लेती हूँ मैं आलू चप या कोफ्ता जो भी बोलते, यही मसाला पहले मैंने बना के रख लिया था, सब इसी मसाला में सब काम मेरा हो जाएगा, मैं कोफ्ता बना लूँगी। सबको एक एक खाएगा, उतना ज़्यादा कौन खाने बैठेगा, उतना बड़ा बड़ा मेरा बन रहा है, यही है बहुत सारा बन गया है, सोचा नहीं था मैंने इतना बन जाएगा। इसको बनाने के बाद मैं बनाऊंगी अब, ये देखिए कोफ्ता बन के तैयार है मेरा। इस बार मैंने बहुत दिन बाद बनाई है, ऐसे तो मैं पकौड़े बनाती रहती हूँ पर इस बार मैंने बहुत दिन बाद बनाई है। सबको लाल करके मैं निकाल लूँगी, सीख गया है, सीखने के बाद मैं सबको निकाल लूँगी, प्लेट में लगा दूँगी, क्या है कि गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। पहले बच्चा को मैं ऐसे ही दे दूँगी और मम्मी को चाय बनाऊँगी साथ में तभी दूँगी, चाय के साथ अच्छा लगता है, बच्चा तो सॉस के साथ भी खा लेगा, पसंद करके खाता है दोनों, अच्छा लगेगा। यही मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लेट लग चुका है, काट लिया मैंने बीच से पाव रोटी वाला को, ब्रेड को, सॉरी मेरे यहाँ पाव रोटी बोलते हैं इसको, ये बनाऊँगी मैं सूखा साधारण सा पाव रोटी का, इसमें मसाला नहीं डाला है, ऐसे ही मैंने बेसन लपेट दिया है ब्रेड में, बच्चे ऐसे भी खा लेंगे, मसाला वाला भी खा लेंगे। बच्चों को मैंने दे दिया, अभी यहाँ मैं चाय बना लेती हूँ, चाय बनाने के बाद मैं सबको दूंगी प्लेट में लगा के, सबको, किसको मम्मी को कि उसके पापा को, सबको, हम ही लोग हैं। चाय बन जाएगा उसके बाद मैं सबको दे दूँगा। आइए आप भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता खाना यही हो गया मेरा, और कुछ रोटी बनाने का ज़रूरी नहीं है, कोई खाता भी नहीं है ये सब खाने के बाद रोटी मेरे यहाँ। यहाँ देखिए प्लेट लग के तैयार है, दे देते हैं सबको, यहाँ सब कोई खा पी के बैठा हुआ, टी वी देख रहा था दादी पोता, मैं भी बैठ के देख रही हूँ। हेलो, कैसे हैं आप साहब? आज सुबह से आपसे बात नहीं हो पाई इसीलिए सोचा अभी बात कर लेते हैं। पक्का चालू है क्या कि काम करने के बाद गर्मी लगता है। मैं अभी आई हूँ किचन से कि खाना पीना सबका हो गया है, यही दूध दूध गर्म करने के लिए चढ़ा हुआ है, खाना खा के दादी पोता गए हुए बाहर में बैठे हुए हैं, खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कितना आदमी घर घर में पे करेगा, इसीलिए मेरे यहाँ का टीवी बंद है, टीवी बहुत मुश्किल से बंद होता है, कभी दादी देखती है कभी पोता देखता है, अच्छा है चलते रहता है, अपना मन लगे रहता है, बच्चे भी कहाँ जाएंगे, स्कूल तो अभी खुला है, अभी तक तो बच्चे दोनों नहीं जा रहे हैं, एक तारीख से सोच रहे हैं भेज देते हैं दोनों को, तैयारी चला हुआ दोनों का, बेगू साफ करके रखे हैं, रात का समय है, वीडियो का भी एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी बात आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आ रहा है दोनों, दिखा देते हैं, आपसे बात करवा देते हैं, बाय बाय कर दो, इधर आके करो, वार का सांप नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से बात, बाय बाय करो, अपना दांत भी दिखा दो, लकी का दांत टूट गया है, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।